आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी सुनी होगी, लेकिन इन दिनों बस्ती में भी एक सारस को गांव की आबो हवा भाग गई है। उस सारस ने गांव के चाचा भगवती लोहार से दोस्ती कर लिया। चाचा जब उसको बुलाते तो वो आ जाता है। सारस दिन भर गांव में इंसानों के बीच रहता है, लोगों से प्यार जताता है, खाता पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। कुदराहा ब्लॉक के रोहारी गांव में सारस और इंसानों के बीच दोस्ती का यह नजारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो पक्षी नहीं बल्कि गांव का सदस्य है। बिना डर के सारस पूरे गाँव में दिन भर घूमता है। ऐसी घटना हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आई है। इसके लिए हमने वन विभाग को निर्देशित कर दिया है, मौके पर जाकर जो भी स्थिति है उसका समाधान निकाल के संरक्षण के लिए भी कुछ वन्य प्राणी अधिनियम के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियमानुसार कर रहे हैं वो वन विभाग। सारस पक्षी के संबंध में सूचना मिली थी कि कुछ पक्षी गांव की तरफ आ रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है कि लोगों के पास तक जाने की सूचना मिली है। इसके लिए अभी जांच कराई जा रही है, रेंज ऑफिसर को निर्देशित किया गया है। तो अभी जांच रिपोर्ट जैसी आती है उसके हिसाब से कार्रवाई।